एक घने जंगल में। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे। आह बेचारा खरगोश, भोला, एक और भोला भाला शेरा का शिकार बन गया। शेरा जंगल में अत्याचारी है और केवल शौक के लिए भोले भाले जानवरों को मारता है। जब उसे भूख भी नहीं लगती तब भी मारता है। सब जानवर मिलकर इस परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं। मैं भी आकर देखता हूँ क्या हो रहा है। और सब जानवर मिलकर शेरा के पास जाते हैं और कहते हैं, हे जंगल के राजा, हे जंगल के महाराज, हम सब आपका अभिवादन करते हैं। हम में से एक जानवर प्रतिदिन आपके पास आ जाएगा, आप उसे मारकर खा लीजिएगा और बाकियों को शांति से रहने दीजिएगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी दिन तुम नहीं आए तो मैं तुम सबको मार दूंगा। और इसके बाद हर दिन एक जानवर शेरा के पास जाता और शेरा उसे मारकर खा जाता। एक दिन जोजो खरगोश की बारी आई। बेचारा, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। मैं तो अभी बहुत छोटा हूँ, अभी से क्यों मरूं? मेरा पास चले तो दुष्ट शेर को मार कर मैं अपनी जान बचा लूं। शेरा भूख से परेशान होकर जोजो का इंतजार कर रहा था। इस मूर्ख खरगोश ने इतनी देर क्यों लगा दी? मुझे भूख लग रही है, आने दो इसको, मैं कीमा बना दूंगा। रास्ते में उसे झील दिखाई देती है। आह, मुझे एक उपाय सूझा है, मैं इस मूर्ख शेर को मार सकता हूँ। ए पिद्दी से जानवर, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे इंतजार करवाओ? मैं तुम्हें और सभी जानवरों को मार डालूंगा। मुझे माफ कर दे महाराज, देरी के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। रास्ते में मुझे एक शेर मिला और उसने मुझे देर कराई। वो तो कह रहा था कि वो आपसे भी ताकतवर और बलवान है। सुनो कमजोर जानवर, केवल मैं इस जंगल का राजा हूँ। कोई शेर मुझसे बलवान और ताकतवर नहीं है, मैं उसे मार डालूंगा। जोजो शेरा को झील के पास ले गया। देखिए देखिए महाराज राज, वह यहाँ छुपा है। कायर, मैं बताता हूँ कौन ताकतवर है। जोजो ने अपनी अकलमंदी से जानवरों की जान बचाई और सब आराम से रहने लगे। तो दोस्तों, केवल शरीर के छोटे या बड़े होने से कुछ नहीं होता है, बुद्धि होना जरूरी है। बुद्धि ही असली ताकत है।